नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोग्राफी इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण भावना के द्वारा भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित मकाम दिलाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। उन्होंने 1944 में जब केवल कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान प्रारंभ किया, तब किसी को यकीन नहीं था कि इसमें वो सफल हो सकेंगे या नहीं। लेकिन उन्होंने इस स्वप्न को न सिर्फ साकार किया बल्कि देश को एटॉमिक शक्ति संपन्न राष्ट्रों की पंक्ति में भी शामिल किया। चलिए जानते हैं उनके जीवन के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जहांगीर हॉर्मुजी भाभा था और वह एक प्रतिष्ठित लॉयर थे और इनकी माता एक उच्च घराने से ताल्लुक रखती थी। होमी को बचपन में बहुत कम नींद आती थी, इसीलिए उनका रुझान पुस्तकों की ओर हो गया। उनकी इस रुचि को देखते हुए उनके पिता ने घर पर ही पुस्तकालय बनवा दिया, जिसमें वे ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। उनके भौतिक शास्त्र और गणित में विशेष रुचि थी। उन्होंने केवल 15 वर्ष की उम्र में ही आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत भी पढ़ लिया था। होमी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा द कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से प्राप्त करी। इसके बाद उन्होंने एल्फिनस्टोन कॉलेज मुंबई से 12वीं पास करी। वर्ष 1927 में वो इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहां उन्होंने सन 1930 में स्नातक की उपाधि भी अर्जित की और सन 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। अध्ययन के दौरान कुशाग्र बुद्धि के कारण होमी को लगातार छात्रवृत्ति मिलती रही। पीएचडी के दौरान उनको आइजैक न्यूटन फेलोशिप भी मिली। उन्हें प्रसिद्ध वैज्ञानिक रदरफोर्ड, डैराक तथा निल्स बोर के साथ काम करने का अवसर भी मिला। होमी भाभा ने कॉस्कट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रतिपादन करने के साथ ही कॉस्मिक किरणों पर भी काम किया, जो पृथ्वी की ओर आते हुए वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। उन्होंने कॉस्मिक किरणों की जटिलता को भी सरल किया। दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ में होमी भारत वापस आ गए। उस समय तक होमी भाभा विश्व ख्याति प्राप्त कर चुके थे। यदि चाहते तो किसी भी देश में उच्च पद पर कार्य करके अच्छा वेतन प्राप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने मातृभूमि के लिए कार्य करने का निश्चय किया। 1940 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में सैद्धांतिक लीडर पद के लिए वे नियुक्त हुए। उन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। वर्ष 1941 में मात्र 31 वर्ष की आयु में डॉक्टर भाभा को रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन दिनों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में ही सर सीवी रमन भौतिक शास्त्र विभाग के प्रमुख थे। सर सीवी रमन डॉक्टर भाभा से बहुत प्रभावित थे। डॉक्टर भाभा ने नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान के लिए एक अलग संस्थान बनाने का विचार बनाया और उन्होंने जेआरडी टाटा की मदद से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। भाभा ने ही भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया था। उन्होंने न्यूक्लियर साइंस पर तब काम करना शुरू किया था जब दुनिया को इसकी चेन रिएक्शन के बारे में काफी कम जानकारी थी। और इतना ही नहीं, उस वक्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को कोई मानने को तैयार नहीं था। सन 1945 में वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के महानिदेशक बन गए। वर्ष 1948 में डॉक्टर भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा वह कई और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भी प्रमुख रहे। डॉक्टर भाभा विज्ञान के साथ साथ शास्त्रीय संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला और नृत्य आदि क्षेत्रों में भी अपनी गहन रुचि और पकड़ रखते थे। वे चित्रकारों और मूर्तिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके चित्रों और मूर्तियों को खरीदकर ट्रॉम्बे स्थित संस्थान में सजाते थे और संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया करते थे। मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन की पहली प्रदर्शनी का मुंबई में उद्घाटन भी डॉक्टर भाभा ने ही किया था। सन 1955 में होमी भाभा को जिनेवा में आयोजित होने वाले एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया। वहां पर उनके विचारों को सुनकर कनाडा सरकार ने भारत को परमाणु रिएक्टर बनाने में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया, जिसके फलस्वरूप साइरस परियोजना प्रारंभ हुई। वैसे भारत में इससे पहले ही 6 अगस्त 1956 को परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका था। साइरस परियोजना आने से इस परियोजना को बल मिला और इस पर जोर शोर से कार्य प्रारंभ हो गया। सन 1960 में यह योजना पूरी हुई तथा इसके बाद सन 1961 में जेरिलिना परियोजना भी अपने परिणाम पर जा पहुंची। इन रिएक्टरों के निर्माण से देश में परमाणु शक्ति से चलने वाली विद्युत परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ।
भाभा के प्रयासों से राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध तथा तमिलनाडु के कल्पकम में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। उन्होंने इन संयंत्रों के लिए महंगे यूरेनियम की तुलना में देश में उपलब्ध थोरियम पर ध्यान केंद्रित किया और थाम्बरे में अपरिष्कृत थोरियम को हाइड्रोक्साइड तथा यूरेनियम के संसाधन का संयंत्र लगाने के लिए सरकार को प्रेरित भी किया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों का ही परिणाम है कि कृषि उद्योग और औषधि उद्योग तथा प्राणी शास्त्र के लिए आवश्यक लगभग 205 रेडियो आइसोटोप आज देश में उपलब्ध हैं। उन्होंने भूगर्भी विस्फोटों तथा भूकंपों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक केंद्र बेंगलोर से 80 किलोमीटर दूर खोला। भाभा विज्ञान एवं देश के प्रति सारी उम्र समर्पित रहे। वे न सिर्फ आजीवन अविवाहित रहे बल्कि देश के बाहर कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत में आकर कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहे। उनकी तीन पुस्तकें क्वांटम थ्योरी, एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल्स तथा कॉस्मिक रेडिएशन विश्व स्तर पर चर्चित हैं। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए अप्रतिम योगदानों के लिए उन्हें 1941 में रॉयल सोसाइटी ने फेलो चुना। उन्हें सन 1943 में एडम्स पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्हें सन 1948 में हॉपकिंस पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें अनेक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से विभूषित किया। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। दुर्भाग्यवश डॉक्टर भाभा अधिक दिनों तक राष्ट्र की सेवा नहीं कर पाए। वे 24 जनवरी 1966 को जिस एयर इंडिया की बोइंग प्लेन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए वियना जा रहे थे, वह प्लेन बर्फीले तूफान के कारण फ्रांस के पास मॉन्ट ब्लांक की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके निधन के बाद मैनचेस्टर की इंपीरियल केमिकल कंपनी में काम करने वाले वैज्ञानिक होमी नोशेरवानजी सेठना, जो कि डॉक्टर भाभा के आह्वान पर ही देश लौटे थे, ने उनके इस मिशन को आगे बढ़ाया और आगे चलकर सन 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट करके राष्ट्र ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का दर्जा हासिल किया। उनके इस असामयिक निधन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत सरकार ने 12 जनवरी 1967 को ट्रांबे संस्थान का नामकरण उनके नाम पर भाभा अनुसंधान केंद्र कर दिया। डॉक्टर भाभा उदार विचारधारा के थे। मित्र बनाने में अग्रणी होमी भाभा लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं को भी हल करने में सहयोग देते थे। डॉक्टर भाभा का प्रयास न सिर्फ भारत के लिए बल्कि सभी विकासशील देशों के लिए मूल्यवान है। भारत उनके योगदान का सदैव ऋणी रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जीवनी। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखें और मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।